गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फंड्स एलोकेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। पहले समझ लेते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है। तो प्रायोरिटी सेक्टर हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर होता है, प्रायोरिटी सेक्टर होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, प्रायोरिटी सेक्टर होता है लोन्स टू वीकर सेक्शन, प्रायोरिटी सेक्टर होता है रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, या प्रायोरिटी सेक्टर होता है एक्सपोर्ट असिस्टेंस। अब बेसिकली ये प्रायोरिटी सेक्टर क्यों है, बैंक किन सेक्टर्स को लोन देगा या किन इंडिविजुअल्स को लोन देगा या किन फर्म्स को लोन देगा, जहां पर बैंक को लगेगा रिस्क कम है, जहां से बैंक का पैसा वापस आएगा, रीपेइंग कैपेसिटी जहां जिस सेक्टर में, जिस इंडिविजुअल में या जिस कंपनी में बैंक को लगती है, बैंक उसी को लोन देने वाला है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान दो तो इन सेक्टर्स में रिस्क ज्यादा है। आप अगर बिजनेस करते हो लोन देने का, तो आप फार्मर्स को लोन देने में थोड़ा अवॉइड करोगे, क्योंकि हो सकता है फार्मर डिफॉल्ट कर जाए, क्योंकि वो गरीब है और उसका क्या पता बारिश ज़्यादा हो जाए, ओले गिर जाए ज़्यादा, या बारिश ना हो, उसका प्रोडक्शन ना हो, या रूरल एरिया में कोई छोटे मोटे बिजनेस के लिए लोन लेना चाहे तो हो सकता है उनका बिजनेस ना चल पाए, या वीकर सेक्शन को लोन देना, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड लोन देना, तो काफ़ी रिस्की रहता है। या जो कंपनीज एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व रहती है, इंटरनेशनल बिजनेस, वैसे ही बहुत टफ होता है। तो बैंक बेसिकली इन सेक्टर्स को लोन देना अवॉइड करेगा। तो अगर बैंक इनको अवॉइड करेगा तो ओवरऑल पूरे साल में देखेंगे तो इन सेक्टर्स में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी काफी कम होगी, लोन काफी कम जाएगा, उससे आउटपुट क्या होगा पूरे एक साल में देखें, फूड ग्रेन आउटपुट गिर जाएगा, रूरल एरिया की इकोनॉमी डेवलप हो नहीं पाएगी, वीकर सेक्शन जो है उनको लोन मिलेगा नहीं तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, इनइक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ेगी, रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा नहीं, और जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं वो अपना धंधा बंद कर देंगी, ठीक है, क्योंकि उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। इंटरनेशनल बिजनेस में सर्वाइव करना एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो सरकार ने क्या करा है, ऐसे सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर डिक्लेयर किया हुआ, उससे क्या होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कंपलसरी किया हुआ है 40% फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट बैंक के लिए, प्राइवेट बैंक के लिए 32% है, RRBs के लिए 75% है, रीजनल रूरल बैंक के लिए। इस 40% का मतलब यह है कि बैंक अगर 100 करोड़ लोन दे रहे हैं तो 100 करोड़ का 40% 40 करोड़ लोन इन सेक्टर्स में देना कंपलसरी होता है बैंक्स के लिए। मतलब बैंक जितना भी लोन दे रहे हैं मार्केट में उसका 40% लोन इधर तो देना पड़ेगा बैंक के लिए, कंपलसरी है, बाइंडिंग है बैंक के लिए, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग RBI ने स्टिपुलेट करी हुई है कि भाई इतना तो आपको देना ही है लोन, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा हमें, बैंक जब यहां पर लोन देगा ही, अवॉइड नहीं करेगा, तो फूड ग्रेन आउटपुट भी ठीक रहेगा, रूरल एरिया की इकोनॉमी भी डेवलप होगी, इनइक्वालिटी भी खत्म होगी, रूरल एरिया डेवलप होगा, ठीक है, माइग्रेशन नहीं होगा सिटी की तरफ, और एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज भी सरवाइव कर पाएंगी, ठीक है। तो 40% कंपलसरी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, और इस 40% में भी सब टारगेट होता है 18%। मतलब बैंक जितना भी लोन दे रहा है उसमें से 18% लोन बैंक्स के लिए कंपलसरी होता है कि फार्मर्स को लोन दे। तो 18% या 100 करोड़ एग्जांपल लेता हूँ, 100 करोड़ लोन बैंक ने दिया एक साल में, तो उसमें से 18 करोड़ लोन एग्रीकल्चर सेक्टर में देना कंपलसरी है। तो यहाँ पर पूछा व्हाट परसेंटेज एलोकेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर बाय कमर्शियल बैंक स्टिपुलेटेड बाय गोज टू एग्रीकल्चर सेक्टर, तो 18% हमारा आंसर होगा। अगर ये एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं करते, ये बोलते कि प्रायोरिटी सेक्टर में कितना लोन दे रहे हैं, तो आंसर फिर 40% होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 में आता है, फिस्कल पॉलिसीज कंसर्न्ड With which of the following? Fiscal word कहीं भी आए तो fiscal word का related होता है taxes के collection से और उसके expenditure से, और जब taxes के collection की बात होती है तो उसको हम basically बोलते हैं receipt, revenue होता है वो, ठीक है। तो हमारा fiscal policy का मतलब है government of India taxes के collection से, taxes के regulation से, taxes के alteration से related जो भी policies बनाती हैं वो हमारा फिस्कल पॉलिसी में आता है। तो ये पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो सभी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज ऑब्लिक आर नॉट डिसाइडेड बाय RBI। अगर आप देखें बैंक रेट, रेपो रेट और CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब हमने डिस्कस करा है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट के सेशन में, आप वीडियो देखिए, उसमें हमने पूरा डिस्कस करा है। ये तीनों के तीनों RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI,
जिसमें हमने डिस्कस करा है, इनके अलावा बैंक रेट, रेपो रेट के अलावा रिवर्स रेपो रेट भी मॉनेटरी पॉलिसी में आता है, कैश रिजर्व रेशियो तो आता ही है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी हमने डिस्कस करा है, SLR स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो भी, और ये हर दो महीने में आती है, एवरी टू मंथ हर दो महीने में RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है, रेट्स में कई बार चेंज करता है, ऊपर करता है, नीचे करता है, कई बार सेम रेट रखता है, ठीक है। तो नॉट डिसाइडेड बाय RBI बोला हुआ, ये तीनों तो RBI डिसाइड करता है, तो नॉट डिसाइडेड बाय RBI हमारा है सी, जो RBI डिसाइड नहीं करता, तो ओनली सी हमारा आंसर होगा। प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक के प्राइम कस्टमर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी बैंक है उसके प्राइम कस्टमर्स होंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस हाई होती है, जैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये बैंक के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस काफ़ी हाई है, ये बैंक के प्राइम कस्टमर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक के 10 कस्टमर्स हों, उनमें से बैंक 2-3 कस्टमर को मान लिया कि प्राइम कस्टमर्स की लिस्ट में रखें, तो बैंक क्या करेगा, जो अपने प्राइम कस्टमर्स हैं 2, 10 में से 2, फॉर एग्जाम्पल 10 में से 2 प्राइम, उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करेगा, और जो रिमेनिंग 8 हैं उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 9% चार्ज कर रहा है तो प्राइम कस्टमर के लिए 8.5% का इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्योंकि बैंक को लगता है इनकी क्रेडिट वर्दीनेस हाई है, ये रिटर्न करेंगे या रिस्क कम है तो उनके लिए इंटरेस्ट गिरा देता है। और ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, अलग अलग बैंक अपने प्राइम कस्टमर्स के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, तो बैंक कैलकुलेट करता है, लेकिन ये जो रेट है एक MCLR होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, बेंचमार्क रेट, उससे ऊपर ही होना चाहिए। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, और इसका आंसर होगा हमारा ओनली सी 86। विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट हम डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल मार्केट का मतलब शेयर्स एंड बॉन्ड मार्केट, ये तो होगा ही, बी देखें बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी, ये नहीं है, ये तो मनी मार्केट का पार्ट है दोनों, ठीक है। तो हमें तो केवल कैपिटल मार्केट बोला है, शेयर्स एंड बॉन्ड मार्केट, तो ओनली ए हमारा आंसर है 86 का। बैंक इन द डेली बिजनेस फेस वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क विच आर द फॉलोइंग, इसका भी हमने सेशन करा है, रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस का आप सेशन देख सकते हैं हमारा, जिसमें डिस्कस करा था बैंक में 3 तरीके के रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, 3 रिस्क के बारे में हमने डिस्कस करा था। बैंक का क्रेडिट रिस्क वो वाला रिस्क होता है जब बैंक अपने कस्टमर्स को लोन दे और कस्टमर डिफॉल्ट कर जाए लोन वापस करने में, मतलब पैसा NPA हो जाए, तो वो क्रेडिट रिस्क होता है बैंकिंग बिजनेस में। मार्केट रिस्क वो होता है बैंक को लॉस होता है मार्केट की वजह से, अगर शेयर मार्केट क्रैश हो जाए या कमोडिटी मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो या फॉरेक्स मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो, क्योंकि बैंक शेयर मार्केट में भी पैसा लगाता है, गोल्ड में भी पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट कॉलमनी मार्केट में पैसा लगाता है, ठीक है, तो उसमें जो फ्लक्चुएशंस होती है मार्केट में, फ्लक्चुएशंस की वजह से भी बैंक को लॉस हो सकता है, तो मार्केट रिस्क। ऑपरेशन रिस्क हमने डिस्कस करा था, ऑपरेशनल रिस्क स्टाफ कोई फ्रॉड कर दे बैंक में, या बैंक फेल हो जाए, ठीक है, बैंक फेलियर मतलब सिस्टम फेलियर हो जाए, उस वजह से बैंक को लॉस हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कंपटीशन इंक्रीज हो जाए जिस वजह से बैंक लॉसेस में चला गया, ये सब ऑपरेशनल रिस्क में आते हैं। तो अगर हम इन तीनों में देखें तो ऑपरेशनल रिस्क हमारे पास आंसर ऑप्शन में है, 5th आंसर हो गया। मैट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, मैट प्रोविजन इन इनकम टैक्स स्टैंड फॉर, मैट का मतलब है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये हमने डायरेक्ट टैक्सेस में डिस्कस करा है मैट, इसका मतलब क्या है, कोई भी कंपनी होती है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर IT एक्ट 1961, उनका जो प्रॉफिट बनता है किसी भी कंपनी का उसके ऊपर कॉरपोरेशन टैक्स बनता है, ये हमने डायरेक्ट टैक्स में डिस्कस करा था कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। अब कंपनी का प्रॉफिट 2 तरीके से कैलकुलेट होता है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इससे पहले वाला जो कंपनीज एक्ट था 1956 का था, इसके हिसाब से कंपनी को होता है बुक प्रॉफिट। तो कोई भी कंपनी होती है कंपनीज एक्ट के हिसाब से बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, उसके हिसाब से बुक प्रॉफिट होता है, फिर कंपनी को खूब सारे एग्जेम्पशंस लेती है, फिर वही बुक प्रॉफिट कन्वर्ट होता है नेट प्रॉफिट पे एज पर IT एक्ट। तो कई बार कंपनी जीरो टैक्स पेड कंपनीज बन जाती है क्योंकि उनका नेट प्रॉफिट तो जीरो होता है लेकिन बुक प्रॉफिट मान लिया 1500 करोड़ था, ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट उनका एज पर IT एक्ट जीरो होता है, तो जीरो टैक्स पेड कंपनीज होगी, कॉर्पोरेशन टैक्स जीरो होगा।
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है जिन भी कंपनीज को बुक प्रॉफिट हो रहा है लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से उनके ऊपर टैक्स नहीं बन रहा है तो भी उन्हें मिनिमम अपने बुक प्रॉफिट का एज पर कंपनीज एक्ट मिनिमम 15% तो देना ही होगा। तो इस समय मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है 15%, ये पहले 18.5% था, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेट टैक्स है जो कंपनीज को, जिन कंपनीज के ऊपर कॉरपोरेशन टैक्स नहीं बन रहा है उन्हें भी मिनिमम अपने एज पर कंपनीज एक्ट बुक प्रॉफिट का 15% तो पे करना ही है, ठीक है। तो इसलिए इसका थर्ड आंसर है, ये हमने डायरेक्ट टैक्सेस की क्लास में पूरा डिस्कस किया हुआ है। लोवरिंग ऑफ बैंक रेट बाय आरबीआई, बैंक रेट रिड्यूस होने का मतलब है रेट्स रिड्यूस हो गए तो इसका मतलब है लोन्स चीपर हो जाएंगे। लोन्स चीपर हो गए तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, लिक्विडिटी इंक्रीज होगी मार्केट में, कैश की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो लोन सस्ता होता है, जो चीज सस्ती होती है उसकी सेल ज्यादा होती है, तो मार्केट में पब्लिक ज्यादा लोन लेगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो लोवरिंग ऑफ बैंक रेट बाय आरबीआई लीड टू मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, फर्स्ट आंसर हो गया। 90, यूएन करेंसी, यूएन करेंसी चाइना की करेंसी है, जापान की करेंसी येन करेंसी है, थाईलैंड की थाई भाट है, और साउथ कोरिया कोरिया की वन करेंसी है, ठीक है। तो ये इन इन कंट्रीज की करेंसी है। नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उनकी करेंसी तो आपको लर्न होनी ही चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। हाँ, 91, लुकीस्ट पॉलिसी। लुकीस्ट पॉलिसी का मतलब है अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, ये श्रीलंका, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, तो इंडिया नॉर्मली ट्रेड किसके साथ करता है, अपने वेस्ट के साथ, मतलब यूएस के साथ, यूरोप के साथ। नॉर्मली इंडिया की कंपनीज भी अपने वेस्ट की तरफ देखती है ट्रेड के लिए। पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर बने थे 1991, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि हमें अपने ईस्ट की तरफ भी देखना चाहिए। हमारे ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज है, खासकर बांग्लादेश के राइट में अगर हम देखें, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, लाओस, कंबोडिया, ब्रूनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, और उसके अलावा और ईस्ट में जाएं तो जापान हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ये सारी कंट्रीज हैं। हमें इनके साथ भी ट्रेड बढ़ाना है, इन सारी कंट्रीज के साथ। तो बेसिकली लुक ईस्ट पॉलिसी डिक्लेयर कर दी थी पीवी नरसिम्हा राव ने, ठीक है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब है हमें इनके साथ ट्रेड को भी इंपॉर्टेंस देनी है, यानी कि केवल वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड को इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि ये बिल्कुल पड़ोस में है तो यहाँ पर ट्रेड ज्यादा इजीली होगा। तो डिजाइन टू पर्टिकुलरली मेंबर सार्क, तो साउथ एशियन एसोसिएशन सार्क मेंबर कंट्रीज है, यहाँ पर इंडिया के साउथ ईस्ट की तरफ जो कंट्री है वो आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 10 मेंबर कंट्रीज है, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो बाकी हमारा आंसर नहीं है। 92, मेनी अ टाइम वी रीड अ टर्म टैक्स हेवन। टैक्स हेवन ऐसी टेरिटरीज होती हैं या कंट्रीज होती हैं जहां पर मिनिमम टैक्स होता है बहुत कम या होता ही नहीं है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल ऐसी टेरिटरीज में बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकता है और वो वाली कंट्री उस इंडिविजुअल से कोई टैक्स नहीं वसूलेगी, ठीक है, या मिनिमम टैक्स लेगी। तो बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल वहां पर अपना ब्लैक मनी इजीली डिपॉजिट कर सकता है, जैसे स्विट्जरलैंड है, लिचेस्टीन एक कंट्री है यूरोप में। तो बहुत सारे लोग, बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन जो है, अपना ब्लैक मनी ऐसी कंट्रीज में डिपॉजिट कर लेते हैं यहाँ की अथॉरिटीज से छुपाकर, तो ऐसी टेरिटरीज को हम टैक्स हेवन बोलते हैं, ठीक है। टैक्स चोरी करने के बाद इंडिविजुअल्स ऐसी टेरिटरी में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपने कई बार न्यूज में देखा होगा इनका फॉरेन में अकाउंट है, स्विस बैंक में अकाउंट है, यहाँ की अथॉरिटीज को पता ही नहीं है, तो वो टेरिटरीज टैक्स हेवन टेरिटरीज हैं। तो देख लेते हैं, इट इज अ कंट्री वेयर सर्टेन टैक्सेस आर लेवीड एट वेरी लो रेट, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। इट इज अ कंट्री वेयर पीपल कैन डंप देयर इलीगल मनी विदाउट एनी प्रॉब्लम, ये भी करेक्ट है, टैक्स हेवन बोल रहे हैं इसीलिए उन्हें प्रॉब्लम, ये है नहीं है, ये रॉन्ग है। तो ए एंड बी हमारा आंसर होगा फर्स्ट। 93, कोर इंडस्ट्रीज विटनेस लोअर ग्रोथ रेट इन द लास्ट फ्यू मंथ, ठीक है, इन सम मेजर इकोनॉमिक न्यूज पेपर रिसेंटली। इट मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इन अकाउंट। कोर इंडस्ट्रीज का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज, तो ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, ये नहीं है बस। तो ये सारे कोर इंडस्ट्रीज में आते हैं। इनके अलावा अगर मैं कोर इंडस्ट्रीज की बात करूं, सीमेंट, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, कोल, उसके अलावा फर्टिलाइजर भी आता है, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, उसके अलावा हमारा नेचुरल गैस,
नेचुरल गैस, उसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, ये हमारे कोर इंडस्ट्रीज में आते हैं, ये चार तो हैं, बाकी ये भी हैं, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं कोर इंडस्ट्री। तो जेम्स एंड ज्वेलरी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है ठीक है, तो फोर्थ हमारा आंसर हो गया। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ये इसकी मेंबर कंट्रीज हैं ठीक है, 1989 में स्टैब्लिश हुआ था, इसकी मेंबर कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, कॉपरेट करती हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, और ये चेक करता है किसको, मनी लॉन्ड्रिंग को एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग को। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना, एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो काफी न्यूज में भी रहा था कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, उससे क्या होगा कि पाकिस्तान अलग अलग कंट्री से लोन नहीं ले पाएगा, ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी, कई जगह से वो लोन नहीं ले पाएगा, ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब है उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, पाकिस्तान की लोन लेने की कैपेसिटी ही खत्म हो जाएगी। तो FATF बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाई क्योंकि टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं ले रहा है, FATF बार बार बहुत सारे स्टेप्स लगाने के लिए, उठाने के लिए कह रहा है, बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका बैंक में अकाउंट इजीली ऑपरेट हो रहा है क्योंकि टेरर एक्टिविटीज बैंकिंग ऑपरेशंस के थ्रू ही चलती हैं क्योंकि फंडिंग की जरूरत होती है टेरर एक्टिविटीज को, तो बैंक उनके अकाउंट जो है सीज नहीं कर रहा है ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है, नॉट करेक्टली मैच पूछा, फिर ये भी करेक्ट है, ये भी हमने टैक्सेशन में डिस्कस करा था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट एक्ट ठीक है, तो ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, तो हमारा थर्ड नॉट करेक्ट है, ये भी हमारा करेक्ट है, तो थर्ड आंसर है। 95, एपेक्स बॉडी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसका चेयरमैन जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है ठीक है, ये चेयरपर्सन है, और इसे हम सुपर रेगुलेटर भी बोलते हैं, सुपर रेगुलेटर, सुपर रेगुलेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेगुलेटर्स का भी रेगुलेटर है। रेगुलेटर्स कौन से होते हैं, जैसे RBI बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर मार्केट का रेगुलेटर है ठीक है, और PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। तो FSDC क्या है, इन रेगुलेटर्स का भी रेगुलेटर होता है बेसिकली, और फाइनेंस मिनिस्टर इसे हेड करता है, मीटिंग्स भी होती है कई बार इनकी ठीक है, तो इन सारे हेड के साथ फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है, और इसके मेंबर कंट्रीज इन सबके हेड होते हैं, और चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, तो सेकेंड आंसर है ठीक है। FSDC लेड बाय रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब होता है ये बेसिकली बैंक जिस शॉर्ट टर्म जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बैंक RBI से जो भी लोन लेता है 14 दिन से कम का उधार, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो रेपो रेट रहता है। उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, व्हेन बैंक इन नीड ऑफ कैश कैन सेल सिक्योरिटीज RBI गिव्स कैश एंड रीपर्चेज सिक्योरिटी, रीपर्चेज को ही शॉर्ट में हम रेपो बोलते हैं, विद इन अ शॉर्ट पीरियड, तो इस वजह से ये सेकंड हमारा आंसर हो गया 96 का, ये हमने कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में भी डिस्कस किया है। रेशियो ऑफ कैश रिजर्व दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद द RBI, वो CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये मिनिमम कैश होता है जो बैंक को RBI में रिजर्व रखना ही होता है। जैसे अगर हम बोले CRR 3% है, तो बैंक में अगर कोई 100 रुपीज जमा कर रहा है तो 3 रुपीज बैंक को RBI के पास रिजर्व रखना है ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये हमने IMF में डिस्कस करा था, IMF वर्ल्ड बैंक डिस्कस करा था, स्पेशल ड्राइंग राइट्स IMF में यूज होते हैं, और इसे आर्टिफिशियल करेंसी भी बोलते हैं, पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, ये एक स्पेशल टाइप का कोटा होता है, और SDR कोटा ही हर कंट्री का IMF में डिसाइड करता है, उसकी ड्राइंग कैपेसिटी कितनी है, वोटिंग पावर्स कितनी है, फाइनेंशियल पावर्स कितनी है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एवरी ईयर ऑफ एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इज गिवन बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स।
ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर आता है, और ये पूरा नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है हर साल। तो इसका हमारा थर्ड आंसर होगा। ये भी हमने पूरा नेशनल इनकम का पूरा सेशन किया है, वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस करा है। विच आर द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ SDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके थ्री पैरामीटर्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होता है, एक इंडिकेटर, ठीक है। दूसरा इसमें देखा जाता है, ये नंबर वन है, ठीक है। दूसरा इसमें देखा जाता है, क्योंकि हमारा वन ऑफ द इंडिकेटर बोला है, यही आंसर होगा, बाकी तो नहीं है हमारा। दूसरा जो है हमारा सेकंड नंबर का, वो होता है एक तो पर कैपिटा इनकम, दूसरा ये रहता है, ठीक है। और तीसरा हमारा लिटरेसी, मतलब तीन चीजें देखी जाती है किसी भी कंट्री में। ऑन एन एवरेज लिटरेसी का मतलब है ऑन एन एवरेज किस कंट्री में इंडिविजुअल्स कितने साल तक स्कूल में स्पेंड करते हैं। जैसे इंडिया में अगर एवरेज टाइम देखें स्कूल में जो लोगों ने स्पेंड किया है वो काफ़ी कम होता है फॉरेन कंट्री से कंपेयर करें। मतलब हमारे यहाँ एवरेज स्कूल टाइम जो स्पेंड किया है लोगों ने वो मान लिया 4 साल 5 साल 6 साल आएगा, लेकिन अगर हम US के साथ कंपेयर करें तो वहाँ के लोग स्कूल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर लिटरेसी का मतलब ये है, वो वाला हमारे सेंसेक्स वाला लिटरेसी रेट नहीं देखा जाता। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये एक SDR रिपोर्ट आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। तो उसमें कंट्रीज की रैंकिंग होती है, जैसे नंबर वन में न्यूजीलैंड, ठीक है। और जैसे रिसेंटली हमने देखा था एक रिपोर्ट में इंडिया की 129 के करीब रैंक है इंडिया, ये मैं बात करूं 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है, 129 रैंक इंडिया की है। तो स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में फिर हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।